हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा पसंद आया होगा आपको। इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए आपको अलाइट मोशन एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो आ जाइए, हम स्क्रीन पर अलाइट मोशन ओपन कर लेते हैं। अलाइट मोशन ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको पेंसिल वाला आइकन पे सेलेक्ट करके यहाँ से आपको 1080 रखना है और यहाँ पे 2340 रखना है। अब यहाँ पे आपको करंट प्रोजेक्ट पे क्लिक करके प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ से इमेज पे क्लिक करके इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। इमेज सेलेक्ट करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको फिल स्क्रीन पे क्लिक कर देना है। फिल स्क्रीन करने के बाद यहाँ से आ जाना आपको बैक। अब आपको सॉन्ग ऐड करना है, तो आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके ऑडियो पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सॉन्ग सेलेक्ट कर देना है। मुझे ये सॉन्ग सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको पहले सॉन्ग के ऊपर प्लस का आइकन दिख रहा है, तो वहाँ पे क्लिक कर देना है, तो आपका सॉन्ग ऐड हो जाएगा। अब आपको जहाँ तक आपको सॉन्ग रखना है, स्टेटस बनाना है, वहाँ तक आके बाकी का पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट आपको कट कर देना है। मेरे को यहाँ तक सॉन्ग बनाना है, तो आपको सॉन्ग पे क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर बाकी का पार्ट कट हो जाएगा, आपको इमेज पे क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जहाँ तक आपको स्टेटस बनाना है, वहाँ तक आपकी इमेज आ जाएगी। अब आपको अपने सॉन्ग की लिरिक्स देख लेनी है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है मेरी सॉन्ग की लिरिक्स। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस तरह आप अपने सॉन्ग की सारी लिरिक्स देख लेने हैं कहाँ से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके मार्क कर देना है इस तरह से। तो मैं जल्दी से सारी लिरिक्स देख लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक है। मैंने सॉन्ग की सारी लिरिक्स देख ली है, तो आपको जहाँ से सॉन्ग की फर्स्ट लिरिक्स स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आके प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको सॉन्ग की फर्स्ट लिरिक्स टाइप करनी है। तो मैंने पहले से टाइप कर रखी है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट लिरिक्स। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कलर है वो वाइट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको बढ़ा के 32 रखना है। यहाँ आपको लाइन पे क्लिक करके, लाइन पे क्लिक करोगे तो आपकी लिरिक्स सेंटर में आ जाएगी। अब आपको रोबोट रेगुलर पे क्लिक करके वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। इस फ़ॉन्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको यहाँ कॉर्नर में राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको मेरी सेकंड फर्स्ट लिरिक्स यहाँ पे इंड हो रही, तो लिरिक्स पे क्लिक करके बाकी का पार्ट यहाँ से आपको कट कर देना है। अब आपको लिरिक्स पे क्लिक करके इफेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से एड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से टेक्स्ट ट्रांसफर वाला इफेक्ट सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। अब आपको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे लिरिक्स के स्टार्ट में आपको प्लस का आइकन देना है और लिरिक्स के एंड में आपको प्लस का आइकन देना है, और यहाँ से बढ़ा के आपको कर देना है 100। हाँ, आपको नीचे की साइड आना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको बढ़ा के कर लेना है 120। अब आपको नीचे एंगल पे क्लिक करना है, एंगल को रखना आपको 0 डिग्री, और यहाँ पे आपको अल्फा पे क्लिक करके इसको रखना है -1.00। यहाँ पर आपको फील कलर वाला ऑप्शन को ऑन कर देना है, और यहाँ से एस इन को 100, एस आउट को -100 कर देना है।
और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कर देना है। अगले इधर की साइड 1.00 कर देना है और इसमें आप कुछ भी नहीं करना है, बी का जाना है। एक इफेक्ट और ना करना है तो इफेक्ट पे क्लिक करके एयर इफेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको ग्रुप वाला इफेक्ट ये वाला पे सेलेक्ट करके यहाँ से नीचे की साइड आना है। यहाँ से वेव ग्रुप पे क्लिक करना है, ये वाला इफेक्ट सेलेक्ट करना है। इफेक्ट पे क्लिक करके आपको लिरिक्स के स्टार्ट में आपको प्लस का आइकन देना है और लिरिक्स के एंड में प्लस का आइकन देना है और इसको बढ़ा के आपको कर देना है 1.00। यहाँ पर आपको एंगल 0.0 डिग्री रखना है। यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको रखना है 1.0। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसको भी 1.0 रखना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बेगा जाना है। अब आपको मोड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके ले इसको नीचे की साइड में लेके आना है इस तरह से और यहाँ से आपको थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके थोड़ा सा जूम कर देना है ऐसे। अच्छे से एडजस्ट कर देना, यहाँ से आ जाना वेक, तो आपकी फर्स्ट लिरिक्स इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ से आपको फर्स्ट लिरिक्स कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेयर पे क्लिक कर देना है। आप लेयर पे क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेकंड लिरिक्स टाइप करनी है तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है, राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मेरी सेकंड लिरिक्स यहाँ तक आ रही है तो आप वो लिरिक्स पे क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो यहाँ से एक लिरिक्स कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं सारी लिरिक्स कंप्लीट कर लेता हूँ जल्दी से ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने सारी लिरिक्स कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ऊपर कॉर्नर पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका वीडियो एक्सपोर्ट होने लग जाएगा। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा तो वहाँ से आपको सेव कर लेना है।